देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में रायसेन में भी किसान संगठनों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर के 7 संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। वहीं केंद्र सरकार से मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द की जाए और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाया जाए। किसान जागृति संगठन के जिला अध्यक्ष इरफान जाफरी ने बताया कि दिल्ली किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें रायसेन में भी किसान संगठनों के द्वारा किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को खत्म करने की बात कही और समर्थन मूल्य पर खरीदी वाले कानून बनाने की मांग की जा रही है। अगर केंद्र सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वही सरकार को किसानों के हित में समर्थन मूल्य खरीदी वाला कानून बनाकर किसानों के हित में बात करनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है किसान जागृति संगठन के जिला अध्यक्ष इरफान जाफरी का। बोल इंडिया न्यूज के लिए रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। आंदोलन का क्या स्वरूप और किस स्तर पर पहुंच चुका है अभी तक और कितनी आप मांगे मानने को तैयार है? संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर आज पूरे देश के जिला मुख्यालय पर किसान संगठनों के माध्यम से आज एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। रायसेन के अंदर किसान जागृति संगठन के साथ भारतीय किसान यूनियन, खेत मजदूर मजदूर यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, ऐसे लगभग 5-7 जो यहाँ के संगठन वो सब आज शामिल हैं। आज हमारा यह धरना दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जो तीन काले कानून हैं उनको रद्द करने की मांग जो हो रही है उसके समर्थन में है। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से तत्काल ये तीनों काले कानून को रद्द किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए, समर्थन मूल्य गारंटी, उस कानून को भी जल्दी शीघ्र बनाकर और इस देश में जो किसानों को सौगात दें। मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो 19 दिन होगा किसानों के लिए और 19 दिन के अंदर किसानों की जो मांगों को पूरी की जाए, उनको पूर्ण किया जाए। उसमें सबसे पहले उस कानून में यह है, अगर किसान का माल बेचता है और कोई उसको व्यापारी लेता है तो किसान उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करा सकता, नंबर एक। उसके बाद जो कृषि बाजार है, जो उद्योगपतियों को देने का काम किया जा रहा है, उस कानून के अंदर मंडियां समाप्त की जा रही हैं, उस कानून के अंदर कृषि बाजार समाप्त किए जा रहे हैं, वो उस कानून के अंदर किसान को जो है गुलाम बनाने की बनाया जा रहा है और इस कानून के तहत इस देश के अंदर जो भी छोटा कृषि बाजार है वो सारा समाप्त किया जा रहा है। ये टोटल 100% उद्योगपतियों के लिए ही है। इस देश में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को जो कल्चर है, मॉल का कल्चर है, वो आ जाएगा और किसान उसके लिए गुलाम होंगे।